आज है हमारा वेज लंच, बैगन भाजा, चावल, कदीमा का सब्जी और ये रही मेरे दाल, दाल चावल कदीमे की सब्जी। मिस्टर कबीर आइए बैठिए। आज एकदम सिंपल सादा वेज लंच खाना बनाई हूँ मैं। और ये रही मेरी कदीमे की सब्जी और ये रहे बैगन भाजा। तो चलो खाना खाने के बाद मिलते हैं आपसे। अभी मैं रानी को लिक्विड दे रही हूँ तो ये लिक्विड खा रही है। खा लो माँ, खा लो। देखिए क्योंकि अभी बच्ची है ना तो अभी नहीं खा पा रही, तो मिक्सी में इसको पीस कर मुझे देना पड़ रहा। ओ रानी, रानी बेटी, मैं छोना बेटी, देख लो एक नज़र इधर देखो तो इधर देखो रानी। अभी खाने में बिजी है खाने देते इसे। बैठो 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 बैठो, खाओ माँ, बैठ के खाओ, बैठ जाओ। बस देख लीजिए आप लोग, ये सब सारा सामान मेरे सासू माँ के घर जा रहा है, कबीर के मम्मी के पास, और उनकी बहन लोग के लिए थोड़ा सामान है जो कबीर का काम है वो है। और यहाँ थोड़ा बैंगल वैंगल से यहाँ नया डिज़ाइन है, वहाँ कोलकाता में नहीं मिलता है, तो इसलिए मैं यहाँ ये सब जो मेरे पास अवेलेबल था मैं सब भेज दे रही हूँ। और ये है सब पाउडर है, टैल्कम, चकली है, और ये क्या बोलते हैं, स्वीट कुरकुरे है, खस्ता है, और रश, और ये पेड़ा, यहाँ का मशहूर पेड़ा है। और ये भी पार्सल जा रहा गाइज, आप लोग देख लीजिए इस पार्सल को ये मेरी रानी बेटी भी जाने मांग रही है कोलकाता। ना बेटा तुम भी जाओगे माँ, देखिए मेरी रानी बेटी भी जा रही है कोलकाता। आप लोग मेरी रानी बेटी को देख लो, अब मेरे साथ इतना सारा सामान के साथ देख लीजिए, ये भी पार्सल जाएगा, पार्सल पार्सल। गाड़ी निकालिए। तो हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग, आई होप अच्छे होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह हम भी अच्छे हैं। तो वेलकम है आपका श्रमिक के न्यू ब्लॉग में, श्रमिक ब्लॉग में। और आज है मामी लोग जो आई थी मेरे यहाँ, वो मुंबई गई हुई थी, मुंबई से उनका ट्रेन आने वाला है हमारे यहाँ, तो उनका जो सामान छूटा था, दो चार पीस सामान छोड़ दिए थे, वो सामान पहुँचाना है। और साथ में मैं अपने सास के लिए जो आप लोग के सामने अभी पैक की हूँ, थोड़ा बहुत ज्वेलरी है, खाने का सामान है, यहाँ का सौगात है, तो वही मैं पहुँचाने जा रही हूँ स्टेशन, हम लोग दोनों हस्बैंड वाइफ। तो मैंने सोचा चलो ब्लॉग ऑन नहीं किया, ब्लॉग भी ऑन कर लेते हैं, वेलकम भी कर लेते हैं। और बस उन लोग को जा रही हूँ आज अलविदा कहने के लिए। तो उन लोग पहले यहाँ रुकने वाले थे दो दिन और, इसलिए सामान रख के गए थे, फिर पता नहीं उन लोग का प्लानिंग चेंज हो गया। जैसे मैंने आप लोग से कहा कि मामी का प्लानिंग इसलिए चेंज हो गया क्योंकि उनका भाई का सगाई है, उनको सगाई भी अटेंड करना है, मुंबई भी घूमना है, सब कुछ करना है उनको, तो इसीलिए वो आज यहाँ नहीं आके रुकेंगी, वो डायरेक्ट जा रही हैं कोलकाता। तो चलो अलविदा कर देते हैं इन लोग को, टाटा बाय बाय। तो मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ शेयर कर लेते, फिर आप लोग के साथ शेयर नहीं कर पाती हूँ, मेहमान थे तो बहुत सी बातें, बहुत सी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई, इसके लिए सॉरी। तो मैंने सोचा चलो अभी शेयर कर लेते हैं निकलते वक्त। तो फिर चलो मिलते हैं स्टेशन में, देखते हैं क्या मोमेंट है वहाँ का, और सामान भी ले लेते हैं। और कभी उन लोगों का बैग रख ले कभी नीचे उतरे तो बस गाड़ी निकालेंगे, हम लोग निकल जाएंगे। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो गाइस हम लोग स्टेशन आ चुके हैं, कबीर गए वहाँ पता लगाने के लिए, प्लेटफार्म नंबर तो यही है लेकिन भी क्या S5 या S2 है। आ रहा आगे, चलो और आगे। ये देखिए गाइस इन लोग से मिल रहा है, जल्दी खोलो जल्दी जल्दी। देखिए आ रहे हम लोग, आए तो है तो आप दिखाइए ना, ठीक है हाँ मिल रहे। तो गाइस छोड़ने आए थे, ट्रेन छूटने वाला, इसलिए मैं भाग रही हूँ नीचे,
छूट जाएगा, मैं अटक जाऊंगी। कहाँ अंदर नहीं गए, छूटा नहीं है। अरे देखिए मामी लोग नजर भी नहीं आती इस शीशा से, कहाँ कुछ नजर आ रहा। अब तो आ रहे नहीं, हम लोग अंदर है, अंदर तो नजर नहीं आ रहा। मामा लोग देखी नहीं, लोग अभी भी नजर नहीं आ रहा शीशा से, ऐसी बोगी में नहीं, इसीलिए नजर नहीं आ रही। चलो आते हैं, मिलते हैं फिर। अब तो हर बार देखे, अभी ले लेते फोटो ना, अब तक का छूट जाएगा, छूट जाएगा। कर रही है हॉर्न मारेगा तो उतर जाएगा। आप लीजिए ना, लेने नहीं सक रही। बाबू इधर इधर बोले, अपना मिलो के लिए कुछ मैसेज इधर दोगे चार्जन टाटा सर। सलाम बोल दीजिएगा आपका मैसेज। सलाम बुलाम बोल दीजिए, सलाम दुआ दोनों। गाइस देखो, इतना देर स्टेशन में ट्रेन रुका है और अंदर जाके कबीर हमको लेने भी नहीं दिए, डरा दिए, अभी ट्रेन छूट जाएगा, ट्रेन छूट जाएगा, अटक जाएगी, ऐसी होगी, ये खुला नहीं है गेट। तो मैं डर का मारे सही से सूट भी नहीं कर पाई, लेकिन हाँ आप लोग को मिला तो जी। देख लो हम लोग आए इन लोगों को टाटा बाय बाय करने के लिए, और ये मिस्टर और शीशा से दिख नहीं रहा होगा अंदर आप लोग को, तो कबीर दिखाएं ना, अंदर जाकर दिखाएं। चलो दिखाए ना, मिलाए सबसे। चलो कोई नहीं, अब हम लोग भी निकलेंगे गाइस, फिर मिलते हैं। ये देखिए, हमेशा कबीर का रास्ता में ना पेट्रोल लेना बहुत ज़रूरी है, कंपलसरी हो गया। नहीं लेंगे ना, भरा भी रहेगा तो भी लेंगे, कि नहीं मुझे लेना ही है। अब बोले कि डिनर बाहर करेंगे, देखते क्या करते। हो गया आपका, क्या सीन है। हाँ, सो ब्यूटीफुल, रियली मजा आ गया। ए मिस्टर कबीर, मिस्टर कबीर चारा दो, चारा दो। सब एक टेंगरी में खड़ा है, सब एक टेंगरी में। वाह, तो अमेजिंग हो गया। और रियली सब एक टेंगरी में, वाह। ये देखिए गाइस, एक टेंगरी में, मैं आपको करीब से दिखाती हूँ। ये देखो सबके सब एक टंगरी पे, सबको टीचर ने पनिशमेंट दिया है। आगे चलिए, चलो बहुत खूबसूरत जगह है यार, मजाक नहीं, अच्छी बता रहा हूँ। देखो ये भाग रही है। बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, आप बैठिए ना। ट्रेन आए रेस्टोरेंट में शाम का नाश्ता करने, और मैं मंगाई हूँ चिकन रोल, और कभी मंगाए हैं पनीर रोल। इनको पनीर रोल खाना है, मेरे को चिकन रोल खाना। ठीक है, तो हम लोग मामी को टाटा बाय बाय करने के बाद मरीन ड्राइव गए। मरीन ड्राइव, इसको खोलिए ना, थोड़ा मुंह खोल दीजिए मेरा, मैं हाथ वीडियो कर रही हूँ। मरीन ड्राइव गए, मरीन ड्राइव के बाद शाम हो गया, तो मुझे भूख लग गई है गाइस, तो मैं आई यहाँ पे थोड़ा शाम का स्नैक्स नाश्ता लेने, तो मैं नाश्ता में ले रही हूँ यहाँ। ये देखिए चिकन रोल और कबीर का पनीर रोल, इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो आइए आप लोग भी हमारे साथ, अभी डिनर भी करेंगे बाहर, क्योंकि कभी का कहना है मैं बिरयानी खाऊंगा, देखते हैं। तो यम्मी, तो गाइज यहाँ होटल आए हैं बिरयानी खाने के लिए, लेकिन काफ़ी भीड़ है संडे, तो कबीर बोले मैं पार्सल ले लेता हूँ, तो देखते हैं क्या करते हैं। अभी तो अंदर गए, अब मैंने ना ये माजा पी रहा मेरा,
टीथ देखो मेरा पूरा ऑरेंज हो रहा। तुम इसका कभी देखेगा इस तो यहाँ देखिए हम लोग लाए पार्सल बिरयानी, तो अभी जा रही हूँ उसको अनबॉक्सिंग करने और खाने के लिए, क्योंकि घड़ी में 10 बज गए हैं। तो चलो खा पी करके हम लोग अपना डिनर कंप्लीट कर लेते हैं गाइस। तो ये रहा बिरयानी, चिकन बिरयानी है, आप देख सकते हो। ये देखिए रानी अभी हट जाओ। हाँ दे रहे रानी, अभी रुक जाओ, खुशबू मत लो, दे रहे। तो आइए गाइज आप लोग भी, बस आइए आप लोग बिरयानी का भी मज़ा ले लेते हैं। और ये कबीर का पैकेट फट चुका है और ये एक पैकेट मेरा है, तो बस मैं थोड़ा ठहर के खाऊंगी तो इसलिए पैकेट रखते हैं या कबीर को दे दिए हैं। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। कहाँ वो रानी, आओ चलो तुमको देते, चलो चलो बेटा चलो देते। तो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह हमारा खाना पीना हो चुका, आप देख सकते हो आँख एकदम नींद से भर गया है, बहुत भागम दौड़ी आज हो गया। और कबीर ने आज मुझे इसी बहाने ट्रिक भी दे दिया है ना, आज मेरा खाना नाश्ता लंच डिनर सब बाहर हो गया गाइस। लंच तो नहीं लेकिन हाँ डिनर और शाम का नाश्ता बाहर हुआ है। और मैं यहाँ खा रही हूँ ये देखिए हींग चूरन, हींग चूरन। और कबीर बाहर खाने के बाद टहलने गए हैं तो मैंने सोचा चलो ब्लॉग यहीं एंड कर लेते हैं। तो बस यही आज का रहा हमारा रूटीन, जो कुछ भी था आप लोग से शेयर किए और अपना ब्लॉग कि मेरा हो नहीं पा रहा। मालूम है जब से मेहमान आया मैं इतना आलसी हो गई थी, मैं ब्लॉग सही से बना नहीं पा रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ब्लॉग अब टाइम पर छोड़ा, इस बार ये भी ब्लॉग अब टाइम पे ही छोड़ने की कोशिश करूँगी। अभी जाएंगे कबीर को बुला के बोलेंगे एडिट कीजिए, मुझे तो नींद आ रहा है। चलो गाइस कोई बात नहीं, तो आज का हमारा ब्लॉग यही रहा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलना, मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिए। मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। और देखो नींद से लग रहा ना, आँख कस कस कर रहा।